टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक कॉल्ड मिमिक्री। जो मिमिक्री टॉपिक है वो एमएससी स्टूडेंट्स और बीएससी स्टूडेंट्स दोनों के लिए हेल्पफुल रहता है। सबसे पहले जो मिमिक्री वर्ड है वो जिस वर्ड से डिराइव हुआ है वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग है मिमिकस। जो वर्ड नाम था लैटिन वर्ड मिमिकस, वहां से ये मिमिक्री वर्ड डिराइव हुआ है। साथ में ग्रीक वर्ड से भी इसके रूट्स देखने को मिलते हैं, जिसका नाम था मिमिकोस। तो ये दो वर्ड्स हैं ग्रीक लैंग्वेज के और लैटिन लैंग्वेज के, जिसमें से मिमिक्री जो है वो ओरिजिन हुआ वर्ड। अब इसका मीनिंग समझते हैं। मिमिक्री का मीनिंग होता है टू इमिटेट क्लोजली, बहुत करीब से किसी चीज को कॉपी करने को मिमिक्री कहा जाता है। जैसे कि एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसका मीनिंग हम जानते हैं, जब कोई एक्टर किसी और एक्टर की कॉपी करने की मान लीजिए कोशिश कर रहा है, तो वो यहाँ जो वर्ड यूज किया जाता है उसको भी मिमिक्री कहा जाता है। तो ये मिमिक्री का एक थोड़ा सा हमने बेसिक आइडिया यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टू इमिटेट क्लोजली और टू स्टिमुलेट, और टू स्टिम्युलेट, ये दो वर्ड्स यहाँ पे हमारे सामने आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब समझते हैं ये जो मिमिक्री टर्मिनोलॉजी है, जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी दी थी या फिर इसके बारे में डिस्कवर किया था, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था हेनरी बेट्स। हेनरी बेट्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले मिमिक्री के बारे में डिस्कवर किया था, और जो ईयर था 1862 ईयर था जिसमें उन्होंने ये डिस्कवर किया था। एक बटरफ्लाई के अंदर सबसे पहले उन्होंने मिमिक्री को देखा था, या फिर हम कह सकते हैं डिस्कवर किया था। तो बटरफ्लाई का ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अब ये जो मिमिक्री होती है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देने के लिए जो आप जानते होंगे, इंटरनेशनल जो जूलॉजिकल कांग्रेस है जो कि वॉशिंगटन में है, वहां पे उन लोगों ने इसके बारे में जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है उन लोगों ने दी। तो इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस ने, जो कि वॉशिंगटन के अंदर है, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी। ये पॉइंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, वॉशिंगटन में जो। अब इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो क्या थी? अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन, मिमिक्री इज द सुपरफिशियल बट क्लोज रिजेम्बलेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अनादर और टू सराउंडिंग नेचुरल ऑब्जेक्ट्स विच एंश्योर्स कंसीलमेंट प्रोटेक्शन और अदर एडवांटेजेस। हम इसको यहाँ पर समझते हैं क्या मतलब हो रहा है, कि अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनिज्म नंबर वन और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म नंबर टू है, तो मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म जो इसकी कॉपी करने की कोशिश करेगा, सेकेंड वाली की कॉपी वन वाला कर रहा है, तो जो कॉपी कर रहा है पहले, तो उसका नाम यहाँ पर समझिए, उसको मिमिक कहा जाता है, हम इसको मिमिक कहते हैं। और जिसकी कॉपी की जा रही है उसको मॉडल कहा जाता है। तो जिसकी कॉपी करेंगे वो मॉडल है, और जो कॉपी कर रहा है वो मिमिक है। तो ये जो मिमिक रहता है, इसका पॉइंट क्या है? ये कहा जाता है मिमिक्री की डेफिनेशन में कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर के तौर पे इसके जैसा दिखाई नहीं देगा। ये जो मिमिक है, इस सेकंड वाली की तरह ऊपर ऊपर से दिखाई नहीं देगा, सुपरफिशियल नहीं दिखाई देगा, बल्कि उसका एटीट्यूड भी कॉपी करने की कोशिश करेगा, उसका एटीट्यूड भी कॉपी करने की कोशिश करेगा। तो एटीट्यूड प्लस अपीयरेंस, दोनों चीजें वो कॉपी करने की यहाँ पर कोशिश करता है। ये दोनों चीज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब ये जो मिमिक्री है वो करी क्यों जाती है? वो इसलिए करी जाती है कि या तो किसी ऑर्गेनिज्म से छुपना है, कंसीलमेंट करना है, अपने आप को बचाना है, जिसको प्रोटेक्शन कहते हैं, और भी दूसरे एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती है इंट्रोडक्शन के अंदर, जो कि हमने आज देखी यहाँ पर। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट रहेगा उसमें इसकी और डिटेल्स देखेंगे कि मिमिक्री किस तरह की हो सकती है, कितनी तरह की हो सकती है, और उसके टाइप्स क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैप्पी लर्निंग।